वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. छोटे को ढेर सारा प्यार, बड़ों को पैरी पौना जी. गाइज मैं अभी जा रही हूँ मेरी सिस्टर के घर, और अभी घर का मैंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ बच्चों को नाश्ता कराया, मतलब आरव और ब्रूनो को, और मैंने कर किया है. और अगर मैं अभी काम में लग गई तो फिर मुझे कल की तरह काफ़ी लेट हो जाएगा, बर्तन कपड़े एंड ऑल दैट, ये सब बहुत टाइम लेता है. तो मैं जा रही हूँ अभी अपनी सिस्टर के यहाँ, और वहाँ से आते आते जब 2:30 मुझे बजेंगे तो मैं सारा दिन वेली हूँ, काम तो और कुछ है नहीं, तो सारे काम बाकी मैं आकर करूँगी, क्योंकि आज मुझे थोड़े जाले भी उतारने और ये दीवारें दूवरें भी साफ करनी है. और बाय द गॉड ग्रेस और आप सबके प्यार और आशीर्वाद से थर्सडे से मेरी कोचिंग स्टार्ट है, तो प्लीज प्रे फॉर मी. तो मैं फटाफट जाकर आती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस, फाइनली मैं अभी घर पहुंची हूँ, और अभी टाइम हो रहा है 3:15, और जाकर सबको नॉर्मल होता हुआ देखकर बहुत अच्छा लगा. और लाइफ मस्ट गो ऑन, और कल है गुरुद्वारे में पाठ भोग का, तो हम ज़रूर जाएंगे. और बस अब मैं अपने घर का काम शुरू करूँगी 10-15 मिनट ब्रेक लेने के बाद, क्योंकि खड़े खड़े ना वहाँ पर भी कंटिन्यूसली पैरों में दर्द हो गई है. और अभी मेरे घर का सारा काम पड़ा है, अभी सफाई और नहाना, ब्रूनो का खाना, बर्तन कपड़े, मशीन लगानी है. मैं सारा काम छोड़ के इसीलिए चली गई थी कि उनका जो काम है वो सॉर्ट आउट हो जाए और दिक्कत ना हो. तो चलिए अब वहाँ का काम तो निपट गया, अब थोड़ा रुक के 10-15 मिनट फिर यहाँ का काम शुरू करेंगे. गाइज अब शुरू हो रहा है मेरा सफाई अभियान और कपड़े अभियान. तो मैं मशीन लगाने लगी हूँ कपड़े धोने के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ. और ब्रूनो अभी शांत बैठा हुआ है क्योंकि आरव खेलने जा चुका है, और इतना रोला मचाता ना, इतना शोर मचाता है, कोई आ जाए घर में तो पूछूं मैं. ये रही मेरी प्यारी सी बुरी बकरी, है ना ब्रूनी, आज अकेले नहीं बैठना पड़ेगा ना 3 घंटे, है ना, मैं आ गई ना आज अकेले नहीं बैठना. ये देखिए बाल्टी में कपड़ों का ढेर लगा पड़ा है, और यहाँ पे हमारी मशीन. तो अब हम मशीन ऑन करते हैं और उसके बाद करते हैं सफाई अभियान शुरू. गाइज मेरा सारा काम खत्म हुआ अभी 5:30 बजे, और मुझे लगी बहुत ज़ोरों की भूख. तो देखिए मैंने क्या बनाया अपने लिए, मैंने बनाया है ऑमलेट और साथ में एक रोटी फुलका, पराठा नहीं, क्योंकि पराठा फिर बहुत बे टाइम खा रही हूँ तो हैवी हो जाएगा, और साथ में टमाटो केचप. मुझे बहुत अच्छा लगता है पराठे के साथ, रोटी के साथ ऑमलेट खाना मुझे बहुत पसंद है. तो बस वही बनाया और साथ में ली है चाय, और उसके बाद मैं अपना कोई काम करूंगी. गाइज ये बनाई है एक रोटी, ये है ऑमलेट, ये है सॉस, और ये है मेरी गर्मा गर्म चाय. लंच वैसे मैं वहां से थोड़ा करके आई थी, बट उस टाइम ज्यादा भूख नहीं थी तो मैंने ज्यादा खाया नहीं, बट अब काम करने के बाद भूख लग रही है तो मैं खाना खा लूं फिर आपसे मिलती हूँ. गाइज मेरी तो पेट पूजा हो गई, और आज मेरी बेटी से ना मुझे डांट पड़ने वाली है. वो मुझे बोल रही है कि आप मेकअप नहीं कर रहे हो, आप लाइनर नहीं लगा रहे हो, पर इस बुद्धू को कौन समझाए कि जब कहीं पर ऐसे जाते हैं तो मेकअप की लीपा पोती करके और लाइनर पाइनर लगाकर नहीं जाते, बट स्टिल मैं लिपस्टिक्स वगैरह लगा रही हूँ कि चेहरा थोड़ा बुझा हुआ ना लगे, क्योंकि लाइनर नहीं लगाती ना तो उसको लगता है जैसे मैं रो कर हटी हूँ. तो कल भी मुझे बोल रही थी कि आप लाइनर लगा लो, वहाँ से होके आने के बाद लगा लो, बट मेरा मन ही नहीं कर रहा. तो अभी कल क्रिया वगैरह हो जाएगी फिर उसके बाद लगा लूँगी. और मैंने जियो मार्ट से कुछ सामान मंगवाया था परसों का, जो मेरे पास अब आज डिलीवर हुआ है, और अमेजोन मेरे मायके से भी सामान आया हुआ है. तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ. गाइज ये देखिए मैं सारा सामान आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर भी आप लोग कहते हैं कि आप हमें बताइए. देखिए ये देखिए मेरा कलर बार का काजल जो मैं लगाती हूँ और जो सारा दिन स्टे करता है, ये 5 मैंने मंगवाए थे, ये आ गए हैं. और यहाँ पर जियो मार्ट से जो सामान मंगवाया था मैंने, इसमें आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ये है गोवर्धन का काऊ घी, ये है हमारा मल्टीग्रेन आटा, और ये आई डोंट नो क्या है, देखती हूँ. ओके गाइज ये है हमारे ओरिगामी के टिश्यू पेपर्स, और इसमें है रेड चिली पाउडर, तो ये एक पोथा खुल गया. और इसमें क्या है, ओके ये सर्फ एक्सेल मैटिक सर्फ, ये मैं अभी सारे खोल नहीं रही हूँ एक्चुअली, फिर मुझे समेटने भी पड़ेंगे. और इसमें आई थिंक फेस वॉश और माउथ वॉश, यस. तो गाइज ये सारा सामान है जो मैंने मंगवाया था, क्योंकि मुझे जाने का टाइम नहीं लगा, और अभी आ रहा आता है उसको खाना देकर फिर मैं जाऊँगी बेटी को लेने, फिर बनाएंगे आखिर रात का खाना. तो इस तरह से हमारा पूरा दिन कैसे निकल गया आज तो एक्चुअल में पता ही नहीं चला. तो चलिए मैं सारा सामान समेट देती हूँ, तब तक आरव भी आता होगा, फिर मैं बनाती हूँ खाना. खाना नहीं बनाती, फिर मैं जाती हूँ बेटी को लेने, उसको लेके आने के बाद बनाती हूँ खाना. Later. गाइज अभी टाइम हो रहा है 10 बजे, और मैं बेटी को लेकर आ गई, और मैंने आकर बस बर्तन किए हैं, और मैं नहा कर अब निकली हूँ. 10 बजे सुबह नहा कर गई थी, बट सारा दिन काम करने की वजह से, क्योंकि नहाने के बाद काम मुझसे नहीं होता, ये सफाइयाँ कपड़े बर्तन, बट आज उल्टा हो गया ना, पहले नहाई फिर उधर गई, थोड़ा बहुत उधर कुछ किया, ज़्यादा कुछ था नहीं, अब अपना घर है तो करना पड़ता है. और फिर यहाँ आई हूँ तो यहाँ आके सफाई बर्तन कपड़े वगैरह में लग गई, तो मुझे ना बड़ी गर्मी लग रही थी, सीरियसली मैन बड़ी गर्मी लग रही थी. तो 10 बजे अभी मैं नहा कर निकली हूँ, थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है, रात को नींद बहुत बेटर आएगी. और अब मैं बनाने लगी हूँ मसाले वाले अंडे, और उसकी मैं आपको रेसिपी दिखाती हूँ, बड़ा आसान है. जब कुछ समझ में ना आए बच्चों को बना के दीजिए मसाला अंडा,
और बच्चे अपनी उंगलियां चाट कर खाएंगे, बट मैं बताऊँ मैं नहीं खाती, और मेरे घर में बाकी सब खाते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ये मसाले वाले अंडे ज़्यादा पसंद नहीं है, बट जिनको भी मैंने जब भी बनाकर खिलाए हैं सब ने तारीफ़ की और बहुत खुश होकर खाया है। तो मेरा थोड़ा टेस्ट पता नहीं क्यों अलग ही होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मसाले अंडे कैसे बनते हैं। तो ज़्यादा नहीं, 3-4 ही बनाऊँगी मैं, और रात को साथ में बनाऊँगी मटर पुलाव एंड ऑल। तो पुलाव बनेंगे, मसाला अंडा बनेगा, ये है हमारा डिनर, और कल हम जाएंगे भोग पर। तो चलिए आपको मैं बना के दिखाती हूँ मसाला अंडे। गाइज देखिए, मैंने अपनी फेवरेट कढ़ाई में, जो बहुत ही पुरानी सी कढ़ाई है, एक्चुअली मेरी मदर की कढ़ाई है, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता इसको फेंकने का, और मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है, और मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा जीरा। 4 अंडों की मैं बना रही हूँ, और ये प्याज है मैंने प्याज को चॉपर में चॉप कर दिया। गाइज मैं कह रही थी कि चॉपर को प्याज में चॉप कर दिया, सॉरी प्याज को चॉपर में चॉप कर दिया, और अब मैं बारीक कटे हुए प्याज जीरा और हींग के साथ डाल दूंगी। और दूसरी तरफ मेरी ब्लैक कॉफी चल रही है, क्योंकि आई स्वेयर ना पैरों में बड़ी दर्द हो रही है। तो एक कॉम्बे फ्लेम खा के कॉफी पी के आराम से बैठूंगी, थोड़ा सा टीवी देखूंगी, और फिर सुबह आरफ का स्कूल है, हाय बम फटाप। तो सुबह उठना पड़ेगा 6 बजे, यार बैंड बजने वाली है, अब इसका स्कूल शुरू हो गया। बट एक रूटीन मेरा शुरू होगा, टच वुड बाय द गॉड ग्रेस, जो बिजी शेड्यूल होता है मेरा, एंड आई लव दैट शेड्यूल, क्योंकि मुझसे खाली बैठा नहीं जाता, गप्पे मारने की मेरी बेफालतू की आदत नहीं है। तो अब जितना मैं खुद को बिजी रखूंगी, आई विल बी हैप्पीएस्ट एवर आफ्टर। और चलिए आगे हम करते हैं अपना प्रोसेस। गाइस देखिए, हींग जीरा और प्याज मैंने डाल दिए, और अब मैं इसको हल्का हल्का लाल करूंगी, प्याज को लाल करूंगी, कढ़ाई तो मेरी पूरी काली है। और मैं डालूंगी सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी, दैट्स इट, कोई गरम मसाला वगैरह कुछ नहीं। और फिर जो ट्विस्ट होगा वो होगा हमारे अंडों का। गाइस ये देखिए, डाल दिया मैंने नमक मिर्च हल्दी, और अभी मैं 2 मिनट आरफ को बुलाती हूँ फ़ोन पकड़ने के लिए, क्योंकि जो अब अंडों का ट्विस्ट है वो एक हाथ से पॉसिबल नहीं है। गाइज हमारे सैमी ने फोन पकड़ा हुआ है, पकड़ इसको वैसे ही, हाँ छोड़ने के लिए थोड़ी गाय देखो मेरे, पकड़ एक मिनट, से कढ़ाई दिख रही है ना, बस। गाइज ये देखिए, हमारे कैमरामैन मिस्टर सैमी फोन पकड़ के हंस रहा है। तो अब मैंने ये अंडे तोड़े तेरे साथ रहकर ना मैं तेरी भाषा बोलने लग गई हूँ सैमी, तोड़े। और अभी हमने इनको हिलाना नहीं है, वरना ये भुर्जी बन जाएगी। सैमी तो खाता है अंडे? सैमी को ऊपर होना पड़ रहा है। हमने इनको बिल्कुल नहीं हिलाना, बस ऐसे फोड़ के डाल देना, ये गए। और हम इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, डाल दिए और ढक दिए, सैमी बंद। गाइस ये देखिए, अंडे ढक के हुए थे जो मैंने अभी हटाए हैं, तो ये ऐसे सा बन जाता है, ऐसा सा बन जाता है, मतलब मेरी तो कढ़ाई डिस्को डांस कर रही है। वेट अ मिनट गाइस, मैंने कढ़ाई को टिकाने के लिए ना नीचे स्टैंड लगा दिया, तो अभी हिलेगी नहीं। और ये देखिए, हम इसको पकड़ेंगे, ये देखिए ये ऐसे बनेंगे। अब हमने इनको कुछ नहीं करना, बस एक बार उठाया और पलट दिया, नीचे का साइड ऊपर कर दिया, ऊपर का साइड नीचे कर दिया, ये बन गए हमारे मसाले अंडे। और बच्चे अंदर इतनी बकर बकर कर रहे हैं, रोला मचा रखा है। गाइज अभी टाइम हो रहा है रात के 12:15, और अरफ की सुबह की तैयारी मैंने कर दी है, बैग वैग लगा दिया, मतलब बैग तो उसने खुद ही लगा लिया था, यूनिफॉर्म प्रेस कर दी, टाई बेल्ट शूज सब रेडी कर दिए ताकि सुबह दिक्कत ना हो, और यूनिफॉर्म भी प्रेस कर दी है जो मैं नई लेकर आई थी, क्योंकि पुरानी तो पता नहीं कहाँ शहीद हो गई। तो ये देखिए इसका नया बैग, जो मैं आपको दिखाने की भूल गई थी। गाइज ये देखिए, ये हम आरफ का नया बैग लाए थे, अमेरिकन टूरिस्टर का, आपको दिखाती हूँ। ये है इसका स्कूल का नया बैग, जो कि एक्चुअल में बहुत सुंदर है, और यहाँ पर यूनिफॉर्म प्रेस कर दिया है, ये इसके सॉक्स वगैरह और हेड स्कार्फ पड़ा हुआ है। अभी मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की कि आधे घंटे से ऊपर हो गया, मैं अपना छोटा वाला फ़ोन, जो दूसरा वाला जिसको मैं वेंटिलेटर का फ़ोन कहती हूँ, वो ढूंढ रही थी। मैं फ़ोन रख के भूल गई, मुझे लगा कि मैं वो फ़ोन ले गई थी अपनी बेटी के सलोन पर्स में डाल के, क्योंकि आरब इसमें गेम वेम खेल रहा था पार्क से आकर, और मैं कहीं रख कर भूल गई, जबकि मैंने रास्ते में निकाला भी नहीं, कहीं रुकी भी नहीं, और मुझे याद भी नहीं कि मैंने कहाँ रखा। तो मुझे लगा शायद मेरे पर्स में कहीं, मतलब निकाला ही नहीं मैंने, पर्स में ही रह गया। पर्स खोला तो फ़ोन ही नहीं। पूरे घर में ढूंढ डाला, रसोई, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, सब जगह आधे घंटे से मैं फ़ोन ढूंढ रही हूँ, बेल जा रही है, सब कुछ चेक कर लिया। बाद में पता चला जी, जो आरव अपना स्पोर्ट्स बैग लेकर जाता है, उसमें से उसने मुझे निकाल कर दिया ही नहीं, और मुझे लग रहा था कि मैंने निकाल के अपने पर्स में रख लिया। तो फाइनली वो एकदम से मुझे स्ट्राइक किया कि एक बार बैग चेक करो, तो उस बैग में से निकल आया। चाहे वो वेंटिलेटर का फ़ोन है, लेकिन काम बहुत आता है।
तो चलिए मैं आज का व्लॉग करती हूँ अपनी बेवकूफ़ियों के साथ यहीं पर एंड, क्योंकि मेरे साथ ये हरकतें होती ही रहती हैं, कोई नई बात तो है नहीं। बट थैंक गॉड कि फ़ोन मैंने मिसप्लेस नहीं किया, क्योंकि बाहर जाके तो कहीं भूलना रखना मतलब ही नहीं बनता। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, मिलूंगी आपसे कल अपने नए व्लॉग में। कल सुबह उठना है 6 बजे, मारे गए बच्चे तो उठ जाएगी, मेरे लिए बड़ी मुसीबत होती है। तो मैं आपसे मिलूंगी कल अपने नए व्लॉग में, और मैं सुबह 6 बजे भी आपको गुड मॉर्निंग करूंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर दीजिए। मिलती हूँ कल सुबह 6 बजे। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।